अब आपको कोरोना की एक तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वायरस के विकराल रूप का गंगा नदी में दर्जनों शव तैरते नजर आए। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर ये शव कहां से आए, आपको जानकर हैरानी। इनमें से ज्यादातर लोगों की जान कोरोना ले ली है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कोरोना काल में महापाप, गंगा में तैर रहे दर्जनों शव। कोरोना वायरस के विकराल कहर के बीच कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस महामारी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ये तस्वीरें यूपी के गाजीपुर की हैं, जहां गंगा नदी में कई शव तैरते नजर आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर शव कोरोना पीड़ितों के बताए जा रहे हैं। गांव वालों की माने तो बीते कुछ दिनों में गाजीपुर से बक्सर तक सैकड़ों शव गंगा नदी में प्रवाहित किए गए, जो कई गांवों के घाट पर जमा हो रहे हैं और उनसे बदबू आ रही है। अभी तो दुर्गंध आ रही है, आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहां पर महामारी फैल जाएगी। परेशानी इतनी भर नहीं है। अगर ये शव सचमुच कोरोना के शिकार लोगों के हुए तो इस तरह खुलेआम नदी में बहाने से संक्रमण का काफी खतरा बढ़ सकता है। गाजीपुर ही नहीं, आसपास के बड़े इलाकों में भी नदी के जरिए कोरोना का वायरस फैल सकता है। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा शव मिले हैं। ज्यादातर शव 2 से 4 दिन से घाट के किनारे पड़े हुए हैं, जिसकी खबर पुलिस प्रशासन को भी दी जा चुकी है, मगर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये बॉडीज कहां से आई हैं, कैसी हैं, तो कहां हैं और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। गांव वालों और प्रशासन का आरोप है कि हाल के कुछ दिनों में कोरोना से ज्यादा मौत होने के कारण चिता जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई। यही वजह है कि लोग शवों को गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, मगर इससे गंगा में प्रदूषण के साथ साथ कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।